अरे यार प्लीज गाइस चुप हो जाओ। वो प्यास पे भाई क्या देखिए, ये बहुत दुखद है कि जो सरकार विकास के नाम पे चुनकर आई थी वो सरकार आज बीफ पे बयानबाजी कर रही है। ये क्यों होता है? ये इसलिए होता है जब समाज के अंदर जो असली मसले हैं उनको छोड़कर जो गैर जरूरी चीज़ें हैं, भावनात्मक चीज़ें हैं, उनको उछाल कर लेना चाहिए। किसको क्या खाना है, ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है, ये राइट टू चॉइस, ये राइट टू फूड का मामला है। अगर किसी और की आस्था के ऊपर सवाल खड़ा होता है तो उनकी आस्था को दिक्कत होती है। इस बात भी कानून कर संसद के द्वारा कानून बनाए जाए, लेकिन कानून को हाथ में लेकर के उसके नाम पे एक अराजक चीज़ों को समाज के अंदर आगे बढ़ाना, ये किसी भी लोकतांत्रिक समाज के लिए खतरनाक है। और फिर इसके ऊपर राजनीति किया जाता है, कि चीज़ों के ऊपर देश का छात्र नौजवान आम आवाम उनको एक पोजीशन लेना चाहिए। होना चाहिए हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल का सवाल है, रोजगार का सवाल है, समाज के अंदर गैर बराबरी का सवाल है। इन सवालों को एड्रेस कीजिए, ना कि कौन क्या खाएगा, क्या क्या पहनेगा, इन चीज़ों को एड्रेस। बेरोजगारी में भी जब सवाल किया जाता है तो उन्होंने कहा है कि 2 लाख से ज़्यादा जॉब क्रिएट हुई है, ज़मीनी हकीकत ऐसा नहीं दिखता है, तो इस पर हम कैसे रिएक्ट करेंगे या हम कैसे देखेंगे? सरकार की सरकार का डेटा कहता है पिछले साल 1,23,000 रोजगार कुल रोजगार और यहाँ पर 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करने का वादा था। तो हमको लगता है कि जो ये असली सवाल है कि आपने 2 करोड़ का वादा किया और आपने 2 लाख रोजगार भी पैदा नहीं किया, हालात क्या है? जो इंजीनियरिंग करते हैं इस देश के उनकी संख्या लगभग 7 लाख प्रति वर्ष, तो रोजगार कितना बढ़ा रहा है? 1,35,000। अब आप बताइए जो स्किल्ड जिसको आप बार बार कह रहे हैं स्किल्ड इंडिया स्किल्ड इंडिया, उसमें यह साइलेंट है, वो किल्ड इंडिया है। 7 लाख लोग जो बन रहे हैं कोई रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि बाकी जो विषय पढ़ रहे हैं, चाहे आर्ट्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ रहे हो, उनको कहाँ से रोजगार मिलेगा? तो हर जगह जो इकोनॉमिक क्राइसिस है इसको एड्रेस करने की बजाय, इससे लोगों का ध्यान हटाने की बजाय जो नकली विमर्श है उसमें जो है ध्यान आकर्षित किया। और पूरा जीवन का मसला भी यही था कि आप नेशनल का एक फर्जी डिबेट है, सवाल है वो रोजगार का सवाल है, बीमारी का सवाल है, जो स्वास्थ्य के कुछ समस्याएं हैं, जो भ्रष्टाचार का सवाल है, इससे लोगों का ध्यान होता है। पूरा का पूरा बजट सेशन निकल गया और बजट पर चर्चा नहीं हुई। तो हमको लगता है कि ये जिम्मेवारी छात्रों नौजवानों के लेने पड़ेगी जो इस देश के 65% लोग हैं, और उनको असली मसलों पर सरकार को बढ़ना पड़ेगा कि ये हमारे असली सवाल हैं, हम गैर जरूरी मसलों पर आपका कोई जो है बर्ताव नहीं चाहते, कोई व्यवहार नहीं चाहते। वो आप पे भी आरोप लगाते हैं कि अब आप राजनीति कर रहे हैं, पार्टियों से मिल रहे हैं, पार्टियों के लोगों के साथ पैर छू रहे हैं, आप सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और आपका कोई दूसरा पर्पस नहीं है। देखिए, जहाँ तक पैर छूने का सवाल है मुझे बड़ी हैरानी होती है जो भारतीय संस्कृति के ऊपर अपनी पूरी की पूरी राजनीति किए हैं, सालों से करते आ रहे हैं, उनको भारत में रहते हुए पैर छूने से दिक्कत हो रही है, एक बात। दूसरी बात यह है कि राजनीति को लेकर के आपने कभी सुना है कि डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी की पेशा को गाली दे रहा हो? ये राजनीतिक ही होते हैं जो खुद राजनीति करते हैं और दूसरों को राजनीति करने से उनको दिक्कत होती है। वेंकैया नायडू साहब कुछ छात्र राजनीति से निकल करके आए हैं और कहते हैं कि छात्रों को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो आप करें तो ठीक, हम करें तो दिक्कत, और हम आपके तौर पर राजनीति कर नहीं रहे हैं। अगर गरीबों के लिए उनके हक की बात करना और भूखों की भुखमरी की समस्या को दूर करना राजनीति है, तो बेशक मैं ये राजनीति करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब तक कि समाज में सारी समस्या।